हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर नाइन दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज 9.3 और फाइंड आउट करना सीखा था जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक करेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स गिवन है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है सो so, मैं आज आपको बहुत ही इजी वे मेथड्स बताने जा रही हूँ जिससे आप ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ईजीली सॉल्व कर पाओगे सो so, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0.0 कॉमा जीरो एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डवल टू ई की पावर x साइन x अब ये हमारी है तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं बट हमें सॉल्व कैसे करनी है जैसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे जनरल सोल्यूशन निकाल रहे थे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहे थे वही चीज़ है बस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको लिख दिया गया है ठीक है तो सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी तो वाई डैश लिखा है यहाँ पर तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स निकलिया अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमें वेरिएबल सेपरेट करना तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए एक्स जो है वो डी एक्स जो है वो मैं राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ हो गए वेरिएबल सेपरेट सेकेंड स्टेप क्या करना होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सो डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन होगा वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इज वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओके अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा क्यों क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने अपने प्रीवियस लेसन में सीखा है तो हम आईलेट रूल के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा तो एक्सपोनशियल जो होते हैं वो लास्ट में ही होते हैं तो इसको हम लेंगे सेकेंड फंक्शन और साइन एक्स को लेंगे फर्स्ट फंक्शन क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक है अब हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा अगर नहीं क्लियर है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो लेसन है मैंने करवाया हुआ लेक्चर है वो जाकर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ठीक है फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लिखते हैं साइन एक्स एज इट इज़ लिखा दूसरे की इंटीग्रेशन ई e की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं साइन एक्स ई की पावर एक्स आ गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स माइन इंटू ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अब देखो फिर से हमें इंटीग्रेट करना है कॉज एक्स और ई e की पावर एक्स को तो यहाँ पर हम साइड पे करके देख लेते हैं तो कॉज एक्स ई e की पावर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है फिर से ये सेकेंड फंक्शन लेंगे और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रही हूँ e की पावर x dx की इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आप सॉल्व कर लेते हैं कॉज एक्स आ गया e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है कॉज x की डेरिवेटिव हम होता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन x और साथ में आ गया हमारे पास e की पावर x डी एक्स एक स्टेप और सिंप्लीफाई करती हूँ कॉज x e की पावर x माइनस माइनस हो गया प्लस ये आ गया हमारे पास साइन x e की पावर x dx अब फिर से वही चीज़ बन गई जो हमारा क्वेश्चन था तो ये किसके बराबर है ये बराबर है y के तो हम यहाँ पर पुट करेंगे y cos x e की पावर x ठीक है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई cos x e की पावर x प्लस y ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर आ गया हमारे पास sin x e की पावर x इक्वल्स टू y ठीक है y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉज एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई वाई इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो वाई प्लस वाई कितना हो गया टू वाई हो गया इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स में से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ बिल्कुल ले सकती हूँ e की पावर x और साथ में साइन x प्लस कॉज एक्स आ गया माइनस कॉज एक्स सॉरी माइनस कॉज एक्स आ गया अब जब इंटीग्रेशन हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई थी तो प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पर आएगा ठीक है ये प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ साथ चलेगा अब यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉज एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये आ गया मेरा जनरल सोल्यूशन ठीक है अगर ये पॉइंट गिवन ना होता यहाँ पर तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर था बट अब पॉइंट वन है पॉइंट का मतलब क्या है ये एक्स की वैल्यू है और ये क्या है वाई की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सो so, हमारा जनरल सोल्यूशन जो आया है वो आया है y इज इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर साइन माइनस कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब पॉइंट क्या है ज़ीरो कॉमर ज़ीरो सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो प्लस सी इसको पुट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो इज इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है साइन जीरो ज़ीरो होता है कॉस ज़ीरो क्या होता है वन होता है प्लस सी तो ये हो गया हमारे पास जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू ज़ीरो माइनस वन कितना हो गया माइनस वन प्लस सी माइनस वन बाई टू हो गया ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जीरो प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू सी तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाई टू आप क्या करते हैं हम लास्ट स्टेप में जो सी की वैल्यू है वापस अपने जनरल सल्यूशन के अंदर डालते हैं ठीक है तो वाई इज इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और सी की वैल्यू आई है हमारे पास वन बाई टू इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं वन बाई टू हमारा कॉमन आ गया e की पावर x साइन x माइनस कॉज एक्स प्लस वन ठीक है वन बाई टू मैंने क्या किया दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया और लास्ट में हम क्या करेंगे इस टू को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला जो वन है वो इधर ले आते हैं टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस एक्स ठीक है तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फाइंड द सल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस वन तो सेम ही तरीके से हमें करना है सो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू ओके okay, तो अब क्या करेंगे y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेने देते हैं तो y अपॉन वाई प्लस टू ये y प्लस टू इधर ले आई dy को इधर रहने दिया अब क्या करना है x प्लस टू और ये वाला जो x बचा था x इसके नीचे आ गया और ये dx एक्स इसके साथ आ गया तो देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है इसको इंटीग्रेट करना है y अपॉन वाई प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है अब क्या करना है मुझे इसको इंटीग्रेट करना है अब पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में y है और डिनोमिनेटर में y प्लस टू है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो मैं न्यूमरेटर में ऐड करूँगी टू और सब ट्रैक्ट करूंगी टू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वाई प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू डी वाई ठीक है इसको कैसे करेंगे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं एक्स अपॉन एक्स टू अपॉन एक्स ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ठीक है अब इसको भी अलग अलग कर लेते हैं वाई प्लस टू वाई प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और ये बन गया वन प्लस टू अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स देखो सिंप्लीफाई हो गया है सब यहाँ पर आ गया हमारे पास वन माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और यहाँ पर वन प्लस टू अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर पाओगे वन की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई वाई टू अपॉन वाई बाई टू वन टू बाहर आ जाएगा और वाई बाई टू की क्या हो जाएगी लॉग मॉड वाई प्लस टू ठीक है इज इक्वल टू वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स होगी टू लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है यहाँ तक ओके okay है अब ये आ गया है आपका जनरल सल्यूशन राइट जनरल सोल्यूशन आ गया अब आपका पॉइंट क्या गिवन था वन कॉमा माइनस वन तो आपको क्या करना है पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है दूसरी वैल्यू वाई की होती है सो so, वाई की वैल्यू माइनस वन पुट करिए माइनस वन माइनस टू लॉग माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन प्लस टू लॉग मॉट वन प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस वन माइनस टू लॉग वन इज ईक्वल टू टू वन प्लस टू लॉग वन प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये फैक्टर भी पूरा ज़ीरो हो गया ये फैक्टर भी 0 हो गया तो बचा क्या मेरे पास में यहाँ पर माइनस सिर्फ यहाँ पर वन प्लस सी माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू सी सो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का टू ठीक है माइनस की टू आ गई वैल्यू अब माइनस की टू वैल्यू जो है वो वापस मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगी ये मेरा जनरल सोल्यूशन है ठीक है तो मैं सी की वैल्यू से इसमें डाल रही हूँ y वाई माइनस टू लॉग वाई प्लस टू यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस माइनस टू ठीक है तो मैंने सी की वैल्यू जो है वो वापस से यहाँ पर डाल दी है सो so, वाई को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं और ये जो एक्स है वो इधर ले आते हैं ये वाला जो एक्स है वो मैं इधर ले आई और ये वाला जो टू है सी वाला वो भी मैं इधर ले आती हूँ लॉग वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ सो so, ये हो गया हमारे पास टू लॉग एक्स और यहाँ पर हो गया टू लॉग वाई प्लस टू अब लॉग के आगे यहाँ पर नंबर है तो ये पावर बन जाएगा इसकी सो वाई माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायेयर भी लिख सकते हैं इसको हम और इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग वाई प्लस टू का होल स्क्वायर तो यहाँ पर दोनों में लॉग है तो लॉग हम ले लेते हैं कॉमन अंदर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर साथ में आ गया वाई प्लस टू का होल स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस टू आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है ठीक है तो c की वैल्यू पुट करने के बाद जस्ट आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है सोल्यूशन कर्व निकालनी है सो so, ये मेरी रिक्वायर्ड सल्यूशन कर्व है इस क्वेश्चन के लिए ओके okay? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो ये जितना बड़ा स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है चलिए देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट तो यह आपका पॉइंट है ध्यान रखना है आपने इसमें गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सबसे पहले स्लोप होती क्या है तो स्लोप तो होती है हमारी डी वाई बाई डी एक्स ठीक है तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया अब पढ़ो दोबारा से स्टेटमेंट को द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट तो प्रोडक्ट किसके साथ एंड वाई कोऑर्डिनेट तो प्रोडक्ट किसका स्लोप का और वाई कोऑर्डिनेट का ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन टू वाई कोर्डिनेट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ठीक है जी बस ये आपका आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसका मतलब सिर्फ़ ये है ठीक है आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट बस किसको बोला जाता है अब क्या करो वेरिएबल सेपरेट कर लो सो वाई डी वाई को इधर ही रहने दो डी एक्स को बस उधर ले जाओ वेरिएबल्स भी सेपरेट हो गए इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड्स पे सो so इंटीग्रेशन भी कर दी मैंने बोथ साइड्स पे अब इंटीग्रेशन में भी कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वाई स्क्र बाई टू आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायेर बाई टू आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये भी सॉल्व हो गया तो ये हमारा बन गया है जनरल सोल्यूशन अब क्या करना है पॉइंट आपको गिवन है वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है ज़ीरो तो x की वैल्यू ज़ीरो पुट करो y की वैल्यू माइनस टू पुट करो इस इक्वेशन में सो माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू ज़ीरो का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी तो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी फोर बाई टू टू हो गया ज़ीरो बाई टू जीरो हो गया तो c की वैल्यू आ गई आपके पास टू अब वापस से c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो सो वाई स्क्र बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायेयर बाई टू प्लस टू अब एल्सीम ले लो वाई स्क्वायर बाई टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया टू से टू कैंसिल हो गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ सो so, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द टू नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर एटीन पे एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ करव द स्लोप ऑफ देंजेंट इज टाइज द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री तो यहाँ पर है स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो स्लोप होती क्या है अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में दैट इज डी वाई बाई टी एक्स यही होती है स्लोप स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके टाइज है तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट लेट मान लिया एक्स वाई है टू द पॉइंट माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री इस लाइन सेगमेंट की हमें क्या निकालनी है स्लोप निकालनी है तो ये वाली जो स्लोप होगी फिर इसके ट्वाइस हो जाएगी तो इसकी स्लोप हमें पता है कि जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं हम उसकी स्लोप निकालते हैं इस फॉर्मूला से जो कि हमने पढ़ा हुआ है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से राइट सो यहाँ पर x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2 ये है सो so, पुट करो वैल्यूज माइनस थ्री माइनस वाई और x2 टू माइनस एक्स वन माइनस फोर माइनस एक्स सो माइनस अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ तो y प्लस थ्री आ जाएगा नीचे से भी अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस फोर आ जाएगा सो so, ये आ गई उसकी स्लोप एक्स वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे कि जो हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स है इज इसका मतलब होता है इज इक्वल टू ट्वाइस ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट तो उस लाइन सेगमेंट की स्लोप कितनी आई है वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर ओके हमारा इक्वेशन बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अब हमें वेरिएबल्स सेपरेट करनी है तो हमें क्या करना है वाई वाली टर्म को इधर लेकर आना है सो डी वाई अपॉन वाई प्लस थ्री हो गया अब यहाँ पर टू ऐसे ही रहने देते हैं डी एक्स को इधर ले जाते हैं सो वन अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस फोर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है वेरिएबल सेपरेट हो गए अब क्या करना होता है हमें इंटीग्रेट करना होता है सो वन अपॉन वाई प्लस थ्री विद रिस्पेक्ट टू डी वाई टू बाहर ही रहने देते हैं वन अपॉन एक्स प्लस फोर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सो इसका क्या आ गया हमारे पास लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टू लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर ठीक है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर लॉग सी भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर इसमें लॉग सी भी लिख लेती हूँ थोड़ा ईजी करने के लिए सो so, यहाँ पर क्या करूँगी मैं इस पहले ये जो लॉग के आगे ये टू है ये इसकी पावर बन जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस लॉग सी और यहाँ पर लॉग वाई प्लस थ्री हो गया राइट अब मैं ये वाला जो लॉग एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर है इसको मैं इधर ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग सी अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला आप सबको पता है सो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे सो so, लॉग आ गया वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग सी दोनों साइड पे लॉग है तो लॉग कैंसिल हो जाएंगे सो so, हमारे पास आ गया वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायेर ठीक है इज इक्वल टू सी राइट ये आ गया हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर लीजिए अब हमें निकालना क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा वन तो माइनस टू कॉमा वन मतलब x की वैल्यू माइनस टू है और y की वैल्यू वन है वो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में अब यहाँ पर पुट करेंगे सो मैं पुट करने जा रही हूँ पुट x इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर वन सो पुट करो वन प्लस थ्री हो जाएगा और नीचे माइनस टू प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी ऊपर हो गया फोर नीचे क्या हो गया फोर माइनस टू दैट इज़ टू टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू सी तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास वन आप सी की वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए सो इक्वेशन नंबर वन है हमारे पास y प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन सो यहाँ से आ जाएगा y प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो क्वेश्चंस बहुत ही ये सिंपल हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे तो वॉल्यूम ऑफ सफेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सफेरिकल बलून की बात की गई है तो हमें अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब है ना अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम यूज़ होगा सो so हम यहाँ पर वॉल्यूम को सपोज कर लेते हैं कैपिटल वी अब वो चेंज हो रहा है एट अ कॉन्सटेंट रेट if initially its radius is थ्री units and after थ्री seconds it is सिक्स units. Initially का मतलब है कि time t ज़ीरो पे उसका जो radius है वो थ्री units है ठीक है और time t is equals to थ्री seconds पे after थ्री seconds पे क्या होगा उसका radius जो है वो सिक्स units है हमें निकालना क्या है radius of the balloon after t seconds. तो जब time जो है वो t होगा तो रेडियस उसका कितना होगा ये बस हमारा क्वेश्चन है क्लियर है क्वेश्चन तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सफेयर है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो डी वी बाई डी टी लिखेंगे उसको हम ठीक है डी वी बाई डी टी और कैसे चेंज हो रहा है एट ए कॉन्स्टेंट रेट तो कॉन्स्टेंट रेट हमें गिवन नहीं है तो हम इसमें यहाँ पर मान लेते हैं इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट कुछ भी मान सकते हैं ओके okay? अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के फोर बाई थ्री पाई जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा अंदर मेरे पास बचा डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू के राइट अब यहाँ पर नीचे वेरिएबल टी है ऊपर वेरिएबल आर है हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी आर से डिवाइड डी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है सो डी आर से डिवाइड कर दिया डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू के सो यहाँ पर इसकी डिफ्रेंसीशन कितनी आ जाएगी फोर बाई थ्री पाई ऐसे ही रहेगा इसकी डिफ्रेंसीशन आ गई हमारे पास थ्री आर स्क्र इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के सो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया सो so, ये बचा मेरे पास फोर पाई आर स्क्वा इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के राइट तो अब यहाँ पर आ, हमें क्या करना है वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो आर वाले जो वेरिएबल हैं विध रिस्पेक्ट टू तो डी आर इधर रहने देते हैं और ये हम उधर ले जाते हैं के डी टी क्योंकि के तो एक कॉन्स्टेंट डी है वो तो बाहर ही आ जाएगा अब वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो गए हैं डी आर इधर हो गया है डी टी उधर हो गया है अब हम इंटीग्रेट करेंगे बाकी क्वेश्चन के जैसे हम जैसे करते हैं सो ये हम के कॉन्सटेंटी है इसको बाहर ही रहने देते हैं अंदर आ गया वन डी टी फोर पाई भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा आर स्क्वेयर डी आर के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी अब इसकी इंटीग्रेशन करो फोर पाई इसकी इंटीग्रेशन हो गई आर क्यूब बाई थ्री इक्वल्स टू के वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी इज टी प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है यहाँ तक तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अब ये निकल आया अब हमें इस अकॉर्डिंगली चलना है टाइम टी जीरो पे सबसे पहले हम टाइम टी जीरो लेंगे सो टी की वैल्यू जीरो है रेडियस की वैल्यू थ्री यूनिट्स है वो पुट करो सो फोर पाई रेडियस की वैल्यू थ्री पुट करोगे थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई थ्री इक्वल्स टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी सो ये आ गया हमारे पास नाइन सो दिस विल बी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स पाई इक्वल्स टू सी सो यहाँ पर सी की वैल्यू जो आ गई वो थर्टी सिक्स पाई आ गई अब दूसरा पुट करते हैं टी इज़ इक्ल टू थ्री रेडियस सिक्स यूनिट्स तो यहाँ पर टी की वैल्यू थ्री पुट करनी है और यहाँ पर रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा सिक्स यूनिट्स हो जाएगा तो हमारी क्वेश्चन क्या फोर पाई आर क्यूब बाई थ्री इक्वल्स टू के टी प्लस सी यही थी हमारी इक्वेशन तो यहाँ पर रेडियस uh, की वैल्यू हम सिक्स पुट करेंगे सो फोर पाई इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स तीन टाइम्स हो गया डिवाइडेड बाय थ्री के इंटू टी की वैल्यू है थ्री प्लस सी की वैल्यू हम पिछली इक्वेशन से पुट कर देते हैं दैट इज़ थर्टी सिक्स पाई ठीक है पुट कर दिया हमने सो थ्री वन जी टू जिक्स फ़ोर टू ज़ा एट इंटू थर्टी सिक्स सो ये हो गया फ़ोर टू ज़ा एट इंटू थर्टी सिक्स इक्वल्स टू थ्री के प्लस थर्टी सिक्स पाई थर्टी सिक्स इंटू एट हो गया टू एटी एट पाई इक्वल्स टू थ्री के प्लस थर्टी सिक्स पाई सो पाई वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं सो माइनस थर्टी सिक्स पाई इक्वल्स टू थ्री के टू एटी एट माइनस थर्टी सिक्स हो गए टू हंड्रेड फिफ्टी टू और थ्री भी इधर ले आई सो so, थ्री से डिवाइड हो जाएगा ये एट्टी फोर आ जाएगा सो so, के की वैल्यू आ गई आपके पास एट्टी फोर पाई अब आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है अब आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है आप वापस जो है फर्स्ट इक्वेशन में सारा कुछ पुट कर दीजिए सो so, हमारे पास आ गया फोर पाई आर क्यू बाई थ्री इज़ इक्वल टू के की वैल्यू है मेरे पास एट्टी फोर पाई साथ में है टी प्लस सी की वैल्यू है थर्टी सिक्स पाई ठीक है अब ये वाला जो थ्री है आप इधर लेकर जा सकते हैं फोर पाई आर क्यूब इक्वल्स टू थ्री इंटू एटी फोर पाई टी प्लस थर्टी सिक्स पाई इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया टू हंड्रेड फिफ्टी टू पाई टी प्लस वन हंड्रेड एट पाई इज इक्वल टू फोर पाई आर क्यूब अब फोर पाई को भी मैं उधर ले जाती हूँ ताकि ये मेरा कैंसिल हो सके फोर पाई को इसके नीचे भी रख दिया और फोर पाई को इसके नीचे भी रख देती हूँ सो so, पाई से पाई सारी कैंसिल हो जाएगी सो so, 252 फिफ्टी टू 4, बाई फोर सो ये आ जाएगा हमारे पास 63t, थ्री टी फोर वन हंड्रेड एट डिवाइड बाई फोर दैट इज़ टू और यहाँ पर आ गया r क्यूब सो so, r की वैल्यू आ गई 63t थ्री टी प्लस और उसकी पावर 1 बाई थ्री यूनिट्स तो हमें क्या निकालना था हमें निकालना था जब टाइम टी सेकेंड्स है तो रेडियस कितना है तो ये हमने निकाल दिया दैट इज इक्वल टू तो सिक्सटी थ्री टी प्लस ट्वेंटी सेवन की पावर होल पावर वन बाई थ्री यूनिट्स इतना रेडियस होगा तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर तो जो प्रिंसिपल है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है आर परसेंट पर ईयर पे तो लेट मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल्स टू पी और रेट जो है वो आर है ठीक है तो दोनों चीज़ें हमने जो पहले सपोज कर ली अब प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है कॉन्टीन्यूसली एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर पर ईयर का मतलब है टाइम्स इंक्रीज कर रहा है सो so यहाँ पर डी पी बाय डी टी हो गया ठीक है आर परसेंट पे इंक्रीज कर रहा है यानी कि आर परसेंट ऑफ पी यही हो गया हमारे पास यही मतलब है इस चीज़ का सो so, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी पी बाय डी टी आर परसेंट का मतलब क्या हो गया आर बाई हंड्रेड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई पी का मतलब पी यहाँ पर लग गया यहाँ पर हो गया डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर पी अपॉन हंड्रेड अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं पी और आर एक साइड पे पी कर लो एक साइड पे आर कर लो सो so, वेरिएबल सेपरेट वाला जो हो जाएगा डी पी बाय डी हो गया डी पी बाय पी हो गया इज इक्वल टू आर बाई हंड्रड इंटू डी टी वेरिएबल्स सेपरेट हो गए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करो डी पी बाय पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर बाई हंड्रड विद रिस्पेक्ट टू डी टी ओके सो यहाँ पर वन बाय पी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी लॉग पी आ जाएगी इज इक्वल टू आर बाई हंड्रड हम ले लेते हैं बाहर इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी सो आर बाई हंड्रड वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज़ टी ओनली ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग पी आ जाएगा और लॉग पी इज इक्वल्स टू आर टी बाई हंड्रेड हम इसको लॉग सी लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सटेंट है इसको कैसे भी करके लिख सकते हैं हम लॉग सी लिख दिया मैंने वो क्यों लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इधर लेकर आऊँगी तो कोई ना कोई फॉर्मूला या लॉग कट हो जाएगा तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लग गया लॉग पी अपॉन सी हो गया इज इक्वल टू आर टी बाई हंड्रेड ठीक है सो पी बाय सी इज़ इक्वल टू अगर लॉग हटाना हो तो दूसरी साइड पर क्या बन जाता है ई e की पावर बन जाता है है ना आपको बताया हुआ है सो so, ई e की पावर आर टी बाई हंड्रेड बन गया ठीक है तो ये आ गया P बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर आर टी बाई हंड्रेड ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ आर इफ रुपीज हंड्रेड डबल इट सेल्फ इन टेन ईयर्स तो इनिशियली टाइम कितना है जीरो टाइम जीरो पे प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं हंड्रेड रुपीज दे रहे हैं ठीक है इनिशियली रुपीज़ हंड्रेड है वो कह रहा है टेन ईयर्स में यानी कि टाइम कितना है टेन ईयर्स है तो प्रिंसिपल कितना हो जाना चाहिए टू हंड्रेड रुपीज हो जाना चाहिए ठीक है तो इस पे हमें वैल्यू ऑफ आर जो है वो निकालनी है तो सबसे पहले हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो जब टाइम जीरो है तो प्रिंसिपल कितना है रुपीज़ हंड्रेड है तो वैल्यू पुट करो इस फर्स्ट इक्वेशन में सो हंड्रेड डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर आर इन टू टी टी की वैल्यू जीरो है जीरो बाई हंड्रेड इज ऑल्सो जीरो ई की पावर जीरो क्या हो जाता है वन सो हंड्रेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन तो ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास हंड्रेड ठीक है c की वैल्यू आ गई हमारे पास अब टाइम कितना है मेरे पास टेन ईयर्स और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास टू हंड्रेड यही है हमारे पास अब वैल्यू फिर से पुट करो टू हंड्रेड बाई सी सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो हंड्रेड इज़ इक्वल टू ई की पावर आर इं टू टी आर इंटू टी मतलब टेन आर हो गया टेन आर डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है सो so, यहाँ पर ये जीरो ज़ीरो कट हो जाएंगे ये सिर्फ बचा मेरे पास टू इज इक्वल टू ई और ये क्या हो गया ज़ीरो से ज़ीरो एक कट हो गया तो ये बचा आर बाई टेन अब अगर मैं ई हटाना चाहती हूँ तो इधर क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा तो लॉग टू बन गया ये क्या रह गया सिर्फ मेरे पास आर बाई टेन अब लॉग टू की वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी तो लॉग टू की वैल्यू पुट कर दो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन इज़ इक्वल टू आर बाई टेन इस टेन को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन इंटू टैन इज इक्वल टू आर सो आर की जो फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट नाइन थ्री वन तो ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ आर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर ईयर ठीक है तो पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा सो लेट प्रिंसिपल मान लिया है पी और रेट मान लिया है आर सो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है फिर से एट द रेट ऑफ 5 परसेंट पर ईयर यानी कि dP पी बाई डी टी इज इक्वल टू फाइव परसेंट पर ईयर यानी कि 5 परसेंट ऑफ पी सो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू फाइव बाई हंड्रेड इन सो अब हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं सो डी पी बाय पी हो गया इज इक्वल टू फाइव बाई हंड्रेड इंटू डी टी वेरिएबल सेपरेट हो गए अब इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट करने पे, डी पी बाय पी हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव बाई हंड्रेड क्या बन गया वन बाई ट्वेंटी कॉन्स्टेंटली है उसको बाहर ही ले लेते हैं वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी वन बाई पी की इंटीग्रेशन हो गई लॉग पी इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी ये हो गया हमारे पास टी प्लस c तो c को हम कैसे लिख सकते हैं log c लिख सकते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अब तो कि हम इसको log c लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है अब log c को ले आओ इधर ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इज इक्वल्स टू टी बाई ट्वेंटी लॉग एम माइनस एन वाला फॉर्मूला लगाओ लॉग पी अपॉन सी हो गया इक्वल्स टू टी ओवर ट्वेंटी यहाँ पर ये जो वन बाई ट्वेंटी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव टी थोड़ा सिंपल करने के लिए सो so, इधर है लॉग पी अपॉन सी और ये टी बाई ट्वेंटी यानी कि हम अगर टी को सेपरेट रख और ये वन बाई ट्वेंटी ऐसे वन बाई ट्वेंटी को हमने लिख लिया यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा अब अगर लॉग हमें हटाना है सो so लॉग अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव टी ये ई e की पावर बन जाएगा सो so, ई e की पावर जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव टी बन गया सो so, ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन ठीक है आप क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ थाउजेंड इज़ डिपॉजिटेड विद दिस बैंक ठीक है एक अमाउंट है रुपीज थाउजेंड का डिपॉजिट कर लिया बैंक पे हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर टेन ईयर्स तो टाइम टी जीरो पे जो इसका प्रिंसिपल है वो कितना है वन थाउजेंड ठीक है सो टाइम टेन ईयर्स पे इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा मतलब कितना अमाउंट होगा वही हमें यहाँ पर निकालना है ओके सो पी बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर 0.05 पॉइंट जीरो फाइव टी इस इक्वेशन में हम सबसे पहले टी की वैल्यू जीरो और पी की वैल्यू थाउजेंड पुट करेंगे उससे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी सो पी की वैल्यू मैंने थाउजेंड पुट करी डिवाइडेड बाय सी इज़ इक्वल टू ई की पावर जीरो हो गया ई की पावर ज़ीरो कितना हो गया वन सो थाउजेंड अपॉन तो C की वैल्यू आ गई यहाँ पर थाउजेंड ठीक है अब दूसरी बार टी की वैल्यू हम टेन पुट करेंगे ठीक है और पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे सो so, पी कितना है हमारे पास पी तो हमें निकालना है सी की वैल्यू हमने निकाल ली है ऊपर थाउजेंड इज इक्वल टू ई की पावर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव टेन टी की वैल्यू टेन थी सो so, यहाँ पर ये बन गया ई e की पावर ज़ीरो पॉइंट फाइव ठीक है ना तो e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 1.648 वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं ठीक है इसीलिए आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं सो so इस थाउजेंड को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.648 पॉइंट सिक्स फोर मल्टीप्लाई इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो थाउजेंड ही आ जाएगा सो so थाउजेंड से थाउजेंड कैंसल सो so, कितना प्रिंसिपल हुआ वन सिक्स फोर एट तो इतना अमाउंट जो है इट विल बी वर्थ आफ्टर टेन ईयर्स सो पी इज़ इक्वल टू रूपीज वन सिक्स फोर एट ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज़ वन लैख ठीक है तो बैक्टीरिया काउंट कितना है वन लैख है नंबर इज इंक्रीज बाई टेन परसेंट इन टू आवर्स ठीक है तो जो नंबर है बैक्टीरिया का वो दो घंटे में दस परसेंट इनक्रीज़ हो जाता है ठीक so है सो लेट हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी ठीक है तो हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो टाइम टी पे मान लेते हैं बी वाई ये कोई कुछ भी आप वेरिएबल सपोज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो हमें यहाँ पर गिवन है कि जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहा है टेन परसेंट इन टू आवर्स इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच टू लैक इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट हमें गिवन है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तो रेट ऑफ टाइम के साथ बढ़ रहा है ऑब्वियसली ग्रोथ जो बैक्टीरिया की है वो कैसे है टाइम के साथ है यानी कि डी वाई बाई डी टी है ठीक है कैसे है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है टू द नंबर प्रेजेंट नंबर क्या प्रेजेंट है हमने सपोज किया है वाई बस ये आपको निकालना है क्या मैंने समझाया यहाँ पर रेट ऑफ़ ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैसे हो रही है टाइम के साथ हो रही है है ना सो डी वाई बाई डी टी लिखा इज़ प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट दैट इज़ वाई ठीक है अब अगर मुझे ये प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हुआ तो मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा सकती हूँ यही करते हैं हम यहाँ पर सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई हो गया आप क्या करो वेरिएबल सेपरेट कर लो सो डी वाई बाय वाई ले आए के इन टू डी टी हो गया अब इंटीग्रेट कर दो वन अपॉन वाई डी वाई सो के बाहर आ गया वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी सो ये आ गया मेरे पास लॉग वाई इज इक्वल्स टू के टी प्लस यहाँ पर सी ओके okay? तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मतलब ये आ गया इसका इस क्वेश्चन का जनरल सोलूशन ठीक है अब हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं सो टाइम t ज़ीरो पे ठीक है टाइम t ज़ीरो पे जो नंबर है बैक्टीरिया काउंट है वो कितना है बैक्टीरिया काउंट है वो वन लैख है ठीक है सो so, y की वैल्यू जो है वो कितनी है वन लैख है है ना सो टाइम t जीरो पे y की वैल्यू वन लैख है उसने पूछा कितने आवर्स में कितने आवर्स में वो टू लाख तक पहुंच जाएगा और एक चीज़ और गिवन है कि वो दो घंटे में दस परसेंट इनक्रीज़ कर रहा है यानी कि जब टाइम दो घंटे है ठीक है टाइम इज़ इक्वल्स टू तो टू आवर्स है सो तो वो दस परसेंट इनक्रीज़ कर रहा है तो यानी कि दस परसेंट इनक्रीज़ करने का मतलब है वन लाख प्लस टेन परसेंट ऑफ वन लाख यही मतलब है इसका ठीक है तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं वन लाख प्लस टेन परसेंट ऑफ वन लैख कितना हो जाएगा टेन थाउजेंट सो ये आ जाएगा वन लैख वन टेन थाउजेंड ठीक है वन लैख टेन थाउजेंड सो मतलब दो घंटे के अंदर अंदर अगर वो दस परसेंट इनक्रीज़ कर रहा है तो बैक्टीरिया काउंट कितना हो रहा है वन लैख टेन थाउजेंट हो रहा है ठीक है सो so, हमें क्या निकालना है कितने घंटे में कितने घंटे मतलब हमें यहाँ पर टाइम निकालना है सो so, यहाँ पर y जो है वो कितना होना चाहिए टू लैख होना चाहिए पहले क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या रहा है टेबल आपने बना लेना है कि सबसे पहले बैक्टीरिया काउंट कितना है आपका वन लैख है तो टाइम टी जीरो पे इनिशियली बैक्टीरिया काउंट कितना है वन लैख है वो कह रहा है कि नंबर इंक्रीज करता है बाय दस परसेंट इन टू दो घंटे में सो so टाइम अगर दो घंटे है सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दस परसेंट का मतलब हो गया वन लैख प्लस टेन परसेंट ऑफ वन लैख ये तो हम छोटी क्लासेस में भी करते थे तो एक लाख दस हज़ार हो गए ठीक है तो हम कहता कितने घंटे में वो दो लाख हो जाएंगे अब क्या करेंगे हम बारी बारी से ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो सबसे पहले हम पुट करेंगे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन लैख सो मैं यहाँ पर फर्स्ट में पुट करने जा रही हूँ टी इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू वन लैख ठीक है, ये पुट करने जा रही हूं सो लॉग वाई यानी कि लॉग वन लैक इज इक्वल टू के इन टू जीरो रहेगा, सी हो जाएगा ठीक है तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास लॉग वन लैख ये आप संभाल के रखिए इसको इक्वेशन नंबर टू मार्क कर लेते हैं अब ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू आप क्या करते हैं टाइम इज इक्वल टू टू और हम वाई इज इक्वल टू वन लैख टेन थाउजेंड पुट करते हैं सो टाइम इज इक्वल्स टू टू है वाई इज इक्वल्स टू कितना है वन लैख टेन थाउजेंड है ठीक है सो so, यहाँ पर आ गया लॉग वन लैख टेन थाउजेंड इज इक्वल टू के इंटू टू प्लस सी अब सी की वैल्यू भी यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं लॉग वन लैख ठीक है पुट कर दिया मैंने अब इसको हम इधर ले आते हैं ये वाला जो लॉग है वन लैख टेन थाउजेंड ये तो इधर ही रहेगा ये वाला जो लॉग है वो इधर ले आते हैं ठीक है इज इक्वल्स टू टू के हो गया अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लग गया तो ये हमारा बन गया थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लैख ठीक है इज इक्वल्स टू टू के यहाँ से देखो चार जीरो चार जीरो कैंसर हो जाएंगी सो so ये मेरे पास बच गया लॉग इलेवन बाई टेन इक्वल्स टू टू के टू बी ले आती हूँ वन बाई टू लॉग इला इलेवन बाई टेन इज इक्वल टू के तो यहाँ पर के की वैल्यू भी आ गई इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब आपके पास सी की वैल्यू भी है आपके पास के की वैल्यू भी है अब आप वापस से सारी जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी यहाँ पर लॉग वाई इज इक्वल टू के टी प्लस सी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन वापस से वैल्यू सारी पुट करो लॉग वाई वाई क्या पुट करोगे यहाँ पर टू लैख यही पुट करोगे ना तो हम टू लैख यहाँ पर पुट करेंगे वाई के की वैल्यू है मेरे पास वन बाई टू लॉग इलेवन बाई टेन टी मुझे निकालना है क्योंकि कितने टाइम में दो लाख हो रहे हैं वही तो हमें निकालना था प्लस सी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लॉग वन लैख पुट कर दी ठीक है जी अब यहाँ पर ये वाला लॉग वन लैख है वो इधर ले आओ सो लॉग टू लैख माइनस लॉग वन लैख इज़ इक्वल टू वन बाई टू लॉग इलेवन बाई टेन टी सो ये लॉग एम माइनस एन वाला फॉर्मूला फिर से लग जाएगा सो टू लैख डिवाइडेड बाई वन लैख ठीक है इज ईक्स टू वन बाई टू लॉग इलेवन बाई टेन टी सो so, ये देखो सारी की सारी जीरोस कट जाएंगी तो ये सिर्फ बचेगा मेरे पास लॉग टू वन बाई टू लॉग इलेवन बाई टेन टी ठीक है अब टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ये जो सारा टर्म है वो आप लॉग टू के नीचे ले जाइए सो लॉग टू डिवाइडेड बाई ये हो गया वन बाई टू लॉग इलेवन बाई टेन और एक स्टेप और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये टू इसके साथ चला जाएगा सो दिस इज इक्वल्स टू टू लॉग टू डिवाइडेड बाय लॉग इलेवन बाई टेन सो दिस इज़ द टाइम इतने टाइम में क्या हो जाएंगे टू लैक हो जाएंगे ओके सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पर है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई इसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर हम वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे सो so, ई e की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई ऐसे लिख सकती हूँ इसको क्योंकि बेस सेम हो तो पावर जैडअप हो जाती हैं अब आप इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो सो so, यहाँ पर मैंने क्या किया e की पावर y जो है वो इधर ले आई और टी एक्स जो है वो इधर ले गई ठीक है सिंपल एक ही स्टेप में मेरा हो गया वेरिएबल सेपरेट अब इंटीग्रेट कर लो वन अपॉन ई की पावर वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सो साइड पे ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो इसकी इंटीग्रेशन आ गई ई की पावर माइनस वाई और माइनस वाई की होगी माइनस वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ई e की पावर एक्स को भी मैं इधर ले आती हूँ सो माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी अब ये अगर माइनस मैं उधर भी ले जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्सटेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर e की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन